होम कुक्स, हाउ इज इट गोइंग? Always remember, आपके पास एक बहुत बड़ा एसेट है. You have one of India's best and most talented chefs out here to help you and mentor you. उनका इस्तेमाल कीजिए अच्छे से. दूसरी चीज, remember, you are in his kitchen. Yes, chef. Yes, chef. समझे? His kitchen, his rules. Yes, chef. इतना बड़ा शेफ, आज उनका किचन में हम खाना बना रहे हैं और उन्होंने हमको मेंटोर करने वाला है, तो कहीं ना कहीं बहुत एक्साइटेड होंगे. निधि, yes, sir. क्या चल रहा है, क्या प्लान है? शेफ, मैं डेजर्ट बना रही हूँ, एक अक्टोरी बना रही हूँ उसके साथ रबड़ी. ओके, क्विकली बता रहा हूँ आपको, ये दूध पहले निकला हुआ है साइड में, yes, sir. ये दूध फिर निकलेगा, क्योंकि अगर रबड़ी बनानी है तो दूध को खोलाना पड़ेगा और उसके लिए ये बर्तन छोटा है. ओके शेफ, चेंज इट. ऑलराइट, दूसरी चीज, आप इस टीम की डेजर्ट कुक नहीं है, यस शेफ, आप इस टीम की कैप्टन है. यस शेफ, इस किचन को मैनेज करना आपका काम है. Yes, अगर आप एक जगह अटक जाएंगे, yes, तो फिर आप वहीं अटक जाएंगे. ऑलराइट, एंड ऑल्सो याद रखिए, सबसे पहले कौन सा कोर्स जाता है? फर्स्ट कोर्स, यानी कि डिजर्ट के लिए आपके पास सबसे ज्यादा टाइम होता है. फोकस ऑन दैट. ऑलराइट, तो मैंने फटाफट से एक बड़ा बर्तन उठाया और मैंने अपना जो दूध है वो उसमें ट्रांसफर कर दिया. एंड थैंक्स टू शेफ्स, जो आज का डिजर्ट है उनकी वजह से ही बहुत अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगर मैं शायद उस बर्नट वाले बर्तन में ही कंटिन्यू करती तो ना मैं वो फ्लेवर्स अच्छे से डिलीवर कर पाती. और जो शेफ ने आज कंस्ट्रेंट बताया कि रबड़ी बनाने में आपको ये कंस्ट्रेंट आ सकता है, और मैं उस चीज से भी बच गई. प्रॉन्स में पीपली कैसे डाल रहे हैं? पीपली मैंने उसको रोस्ट किया. ये जो पीपली आप यूज कर रहे हैं, ये समझ लीजिए कि ये ब्लैक पेपर नहीं है. इसका टेस्ट बहुत शार्प होता है, एक मिनट में ये पूरा का पूरा पैलेट को कोट कर लेता है. राइट, दूसरी मजे की बात बताऊं, ये पीपली कोल्ड, कफ, ब्लड प्रेशर इश्यूज, साइनस, इन्फ्लेमेटरी इश्यूज के लिए सबसे अच्छी मेडिसिन मानी गई है आयुर्वेद में. हेल्प करना है. योर ग्रेट द क्यूकंबर. क्या है ग्रेट द क्यूकंबर? ऑलराइट होम कुक्स, हाउ इज इट गोइंग? टीम ब्लू, यस शेफ. ऑल गुड, यस शेफ. तो भाई, ताजा खबर ये है कि आपके 30 मिनट खत्म हो चुके हैं, डेढ़ घंटा बचा है, यानी कि डेढ़ घंटे बाद आपका स्टार्टर कोर्स टेबल पे होना चाहिए. राइट, ठीक है. इतनी जल्दी टाइम ऐसे उड़ रहा है कि समझ ही नहीं आ रहा है, और अभी बहुत सारा काम बाकी है. अभी कबाब को बुनने में, उसे तंदूर में पकने में काफी ज्यादा टाइम जाने वाला है, क्योंकि काफी बल्क कुकिंग है. जो आप बैंगन बना रहे हैं मेन कोर्स के लिए, पुरानी जो व्यंजन बना रहे हैं, जी शेफ, इसके लिए बैंगन का क्या करना है? आपने धीरे धीरे कुक करना है. जी, धीरे. कितना धीरे? चूल्हा जलेगा कि ऐसे पायलट पे जलेगा? बिल्कुल. कमर्शियल किचन्स में दो आग होती हैं, एक को कहते हैं पायलट, ये साइड में छोटा वाला, वो सिर्फ और सिर्फ कंटिन्यूटी ऑफ फायर के लिए होता है, बाकी मेन चूल्हा दूसरा है. चल रहा है. स्टार्टर में लाहौरी कबाब, कचुंबर, मिंट चटनी, पाइनएप्पल सैलेड, ठीक है. आइडिया अच्छा है, प्रेजेंटेशन नीड्स टू बी आउट ऑफ द वर्ल्ड. मोर इम्पोर्टेंटली, ये लाहौरी कबाब सर्वर या वेटर टेबल पे कैसे जाके समझाएगा, कैसे बेचेगा, वो एक एग्जीक्यूटिव शेफ की रिस्पॉन्सिबिलिटी है. आज आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है. मेन कोर्स में पुरानी बैजन, सैफरन राइस, फ्राइड राजमा और बैंगन का क्रिस्प. चावल कभी भी एज एन अकम्पनीमेंट हम देते हैं तो उसकी प्लेटिंग हमेशा बिखर जाती है. राइट, तो इंश्योर अगर आप मोल्ड कर रहे हैं तो उसके अंदर थोड़ी बहुत कोई बाइंडिंग हो, ताकि चावल की मोल्डिंग बराबर हो, चावल फैले नहीं टेबल के ऊपर. उनकी सजेशन मुझे लगता है काफी ज्यादा फायदेमंद होगी. इनकेस राइस स्टिक ना हो, मोल्ड की शेप ना ले, तो मैं इसे एक अनियन और मस्टर्ड ऑयल का एक तड़का लगा के बाइंड कर दूंगी. एंड फॉर ऑल ऑफ यू एक सलाह, जब भी आप एक सेट मेन्यू पे काम करते हैं, एक थ्री कोर्स मेन्यू पे काम करते हैं, अगले पेज पे सारे एलिमेंट्स आपके मेन्यू के एक लिस्ट में होने चाहिए. अगर आपके टोटल मेन्यू के 25 एलिमेंट हैं, जैसे ही वो एलिमेंट खत्म होता है वहां पर टिक लग जाना चाहिए. आप सिर्फ मेन्यू नहीं बना रहे, आप डिशेस के एलिमेंट्स भी बना रहे हैं. शेफ, आप दोनों टीम से मिलके आए, दोनों टीम्स को आप मॉनिटर कर रहे हो, आपको क्या लगता है, आर दे ऑन द राइट ट्रैक? थोड़ा वरिष्ठम है रेड टीम में, क्योंकि वो तंदूर में प्रॉन्स डालने तैयार हो गए थे. बोला नहीं, रेडी किचन है,
तो आपको टाइम के हिसाब से करना पड़ेगा, ऑर्डर सबको फ्रेश जाना है तो आपको रुक के लेना है. You think it's lack of leadership in the writing? They are trying to do it independently. ज़्यादा मेरे को लग रहा है कि हर आदमी अपना अपना एक डिश बनाए चल रहा है वहाँ पे. Coordination नहीं. हाँ, जबकि ब्लू टीम में दिख रहा है कि हर आदमी एक दूसरे को हेल्प कर रहे हैं. अंकल, सैलेड इज ऑलमोस्ट रेडी, तो सॉल्ट करूँ? ओके. पांच मिनट. हेलो हेलो हेलो, कैसे से चल रहा है? प्रोफेशनल किचन में काम करती ना बड़ा हमें मतलब ऐसे पहले कभी बनाया खाना 30 लोग के लिए? फर्स्ट टाइम एक्सपीरियंस. यस, फर्स्ट टाइम. इतना ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ रहा है क्योंकि वो एक पायलट है और एक के साथ आपको स्पीड को ऑर्गेनाइज. तो आप आपकी टीम कैसे कर रही है? टीम अच्छी कर रही है शेफ. मेरा जो स्टार्टर है वो ऑलमोस्ट रेडी है. रबड़ी रेडी है शेफ, वो ऑलमोस्ट थोड़ा सा टाइम है उसके लिए अभी. आपकी रबड़ी में स्पेशल क्या है? एक तो इसमें शेफ पंपकिन जा रहा है और वॉलनट्स है, दोनों का फ्लेवर आएगा. आपने बनाया पहले पंपकिन रबड़ी? यस, मैंने बनाया है. एक बार ही मैंने ट्राई किया था, सिर्फ पंपकिन का बनाया था. मैंने आज वॉलनट्स भी ऐड किया है क्योंकि वॉलनट्स के साथ में खाया जाता है अब्सोरी को, वॉलनट की चटनी. तो आप इसको सैंडविच करेंगे, पैनकेक के लेयर्स में डालेंगे? ओके ओके, गुड. How are you doing? Yeah, very good, very good. आज कैसे लग रहा है आपको? लग रहा है कि आप काम है कि आपको प्रेशर फील हो रहा है? थोड़ा ज्यादा है क्योंकि ये स्टोव का जो अंदाजा नहीं है और ये कुकिंग इक्विपमेंट का उतना अंदाजा नहीं है, तो प्रेशर जरा ज्यादा है. लेकिन डिश देखकर तो मुझे कंट्रोल दिख रहा है. ओके, याद रखिए आप 30 लोगों के लिए खाना बना रहे हो. थैंक यू शेफ. ओके, होम कुक्स. यस शेफ. एक घंटा हो गया आपकी कुकिंग टाइम का, एक घंटा बाकी है. रिमेम्बर, एक घंटे में आपके गेस्ट आएंगे एंड दे विल रीड योर मेन्यू एंड चूज योर फूड. Yes, so chef. Make sure your focus is on your menu. Yes, chef. Yes, chef. Yes, chef. केक ऑलमोस्ट बन चुका है. मैं उसको निकालने के लिए एंड ठंडा होने के लिए रख रही हूँ. साथ में मैं वापस जाती हूँ केनी के पास, तो मिल्क एंड शुगर रिड्यूस होके एक अच्छा थिक कंडेंस मिल्क बन चुका है एंड अब मैं अपने सोकिंग सिरप पे काम कर सकूंगी. अंकल, क्रेजी. इट्स सो रिफ्रेशिंग. नाम भी कम, कबाब ट्राई कर दो. अमेजिंग. टीम ब्लू. हेलो शेफ, हाउ इज इट गोइंग? गुड शेफ. हमारे कबाब्स मैरिनेट हो गए, बस मैं एक ट्रायल ले है, बस वो सबको टेस्ट करा रही थी. तो सबको अच्छा लगा कबाब? बहुत अच्छा है. बैंगन को क्या हो गया? बैंगन भी कॉन्फी हो रहा है. कॉन्फी हो रहा है कि फ्राई हो रहा है? कॉन्फी हो रहा है. कॉर्न फ्राई, एग्जैक्टली. क्योंकि हमारे जो अवन में केक बन रहा था तो अवन में हम कर नहीं पाए थे, तो हमने इसी पे दम डिजर्ट में क्या बना रहे आप? केक बना रहे हो? हाँ, कश्मीरी स्पाइस प्रेस लेशेस केक, जिसके साथ हम पंजीरी क्रम्बल देंगे. ओके, वर्क एज अ टीम. बहुत कंफ्यूज मत हो, काम डिवाइड करके टीम वर्क से काम करो. ओके, यू गॉट दिस. मैं हमेशा ही कहता हूँ कि एक डिश जब आप पहली बार बनाते हैं तो वो एक कोलैबोरेटिव प्रोसेस होता है. Absolutely. जो ब्लू टीम है उसमें वो कोलैबोरेटिव प्रोसेस दिख रहा है. उसमें दिख रहा है कि सब लोगों ने बात करके मेन्यू बनाया है, हर एक ने अपने अपने थोड़े एलिमेंट्स डाले हैं. अगर कृति त्रेस लेचेस भी बना रही है, उसमें कश्मीरी एलिमेंट जो है वो रुखसार का है. वो अपनी स्ट्रेंथ्स पे खेल रहे हैं, एज अ टीम खेल रहे हैं और कोलैबोरेटिवली डिशेस क्रिएट करें. एंड यू आर राइट शेफ, मुझे ये लगा कि ब्लू टीम जो है वो एलिमेंट्स सोच के चल रही है, सिर्फ डिशेस सोच के नहीं चल रही, वो एलिमेंट बाय एलिमेंट हर चीज रेडी कर रही है. और जिस होम कुक की स्ट्रेंथ, जो एलिमेंट है, वो एलिमेंट उस डिश का रेडी कर रहा है, विच आई एब्सोल्युटली लव. आई थिंक दैट्स अ गुड वे टू ब्रेक डाउन अ मेन्यू. एंड आई थिंक द क्रेडिट गोज टू रुखसार, जो उसकी लीडरशिप है, वो एक क्वाइट हंसते हंसाते काम करवाने की, लेकिन जहाँ जरूरत पड़े वहाँ पे वो फर्म हो जाती है. वो टैलेंट बहुत स्ट्रॉन्ग. मैं जब गई थी तो एक्चुअली उनके कबाब्स रेडी थे, तो उसने काट के पूरे टीम मेंबर्स को अपने कबाब उसने टेस्ट कराए, सबका फीडबैक लिया. तो इट सीम्स लाइक अ बहुत कोलैबोरेटिव एफर्ट हो रही है. हैज टू बी. और रेड टीम में निधि कैप्टन है, बट मुझे प्राची की आवाज़ ज़्यादा सुनाई दे रही थी किचन में. अगर मेन्यू की बात करें, ब्लू टीम जो है वो एक पर्शियन अफगानी बैंगन का मेन कोर्स बना रही है, साथ में चावल हैं और एक मैंगो का ट्विस्ट है. फर्स्ट कोर्स में वो लाहौरी कबाब बना रहे हैं और डिजर्ट में अगेन कश्मीरी त्रेस लेचेस बना रहे हैं. तो मेन्यू वाइज ये ब्लू टीम का मेन्यू है. मुझे लग रहा है कि इंस्पायर्ड ज़्यादा लग रहा है. मुझे सिर्फ
चैलेंज ये लग रहा है कि बैंगन जो है वो ऐसा इंग्रेडिएंट है, अगर आप प्यार करते हैं तो बहुत प्यार करते हैं, अगर आप प्यार नहीं करते तो आप ऑर्डर नहीं करते। तो ऐसा ना हो कि बैंगन देख के कस्टमर्स वो मेन्यू ऑर्डर ना करें। यू नो, ये समझदारी जो है एक मेन्यू प्लानिंग के टाइम होनी चाहिए कि आप वो इंग्रेडिएंट्स हमेशा फॉरवर्ड रखें जो कि कॉमनली अप्रिशिएटेड है। पोलराइजिंग इंग्रेडिएंट्स, लव इट हेट इट वाले इंग्रेडिएंट्स कई बार मेन्यू पे लोग देख के ऑर्डर नहीं करते, तो मेरे को वहाँ 5 पॉइंट का रिस्क लग रहा है। मैं बहुत खुश हूँ हमारी रेड टीम से। ये बना रहे हैं कद्दू और अखरोट का मीठा। यू नो, यू आर टॉकिंग अबाउट निधि, जो एक हिमाचली इन्फ्लुएंस है उस मीठे में, एंड शी इज सेइंग के शेफ मेरा मीठा बहुत बढ़िया है, ठंडा भी होगा गर्म भी होगा, थोड़ा देखिए डिफरेंट एलिमेंट्स आर थिंकिंग। मोहम्मद आशिक, शोभजीत, प्राची, दे हैव ऑल शॉक्ड अस इन दिस किचन। कि कभी कभी हमको समझ नहीं आती कि चैलेंज को किस लेवल पे ले जाते हैं ये लोग, एंड आई होप आज यही करके दिखाएंगे। सूरज और मैं कबाब जो है स्क्यूअर पे चढ़ाने लग जाते हैं, उसके कबाब भी कहीं गिर रहे हैं, मेरे कबाब भी कहीं गिर रहे हैं। सूरज प्रॉपरली सील कर दो प्लीज, यहाँ आगे पीछे, और ये अनइवन हो जा रहा है, उस साइड थोड़ा कम आ रहा है, इस साइड थोड़ा ज्यादा आ रहा है, तभी गिर रहा है। नहीं गिर रहा है ना, फायदा क्या है, इतनी मेहनत का फायदा नहीं है, कबाब 2 गिर गए ऑलरेडी। सर आपका सैलेड हो गया है। सो ये मेरा वार्म सैलेड का ऊपर गार्निश है, ये मैसूर स्टाइल है। आपने सैलेड में नमक डाल दिया? हाँ डाल दिया। तो सर सैलेड में कैप्सिकम पानी नहीं छोड़ देगा, आपको 1 घंटा है सर्विस के लिए। आपका हॉट सैलेड है, आपका क्रंचीनेस अभी है, 1 घंटे तक रहेगा सॉल्ट डालने के बाद। या तो कैप्सिकम और अभी बढ़ा दीजिए, नहीं तो आपका क्रंचीनेस नहीं रहेगा, आपका पूरा मेहनत जीरो हो जाएगा। ओके ओके सर, आप चेक कर लीजिए। हाँ, और उसको रेक्टिफाई करके ले लिया। ओके, शेफ सूरी ने मुझे बताया कि और थोड़ा कैप्सिकम डाल के उसमें लास्ट मिनट में मिक्स करो। सो मैं कैप्सिकम चॉप करके रखा हूँ। आप हर एक चीज को चेक कर रहे हैं शेफ? मैं हर चीज को टेस्ट करके खुद सीजनिंग्स एडजस्ट कर रही हूं। अभी कैप्सिकम सैलेड के अंदर उन्होंने सॉल्ट डाल दिया है, तो क्रंचीनेस खत्म हो जाएगा आपके सैलेड का। ये मेरा किचन है, इसमें आपको जिस तरीके से सर्विस करना है गेस्ट मुल्क के नाम के हिसाब से, तो आपको इसका नाम का रखना पड़ेगा। तो प्लीज हर एक डिश चेक खुद कीजिए, कैप्सिकम करके वापस करके दीजिए। थैंक यू शेफ। डेफिनेटली आज हैरी अंकल पे कहीं ना कहीं बल्क कुकिंग के हिसाब से एक प्रेशर आ गया है। एक कटोरी भर सैलेड बनाना और एक 30 लोगों के लिए सैलेड बनाना, उसमें बहुत ज्यादा डिफरेंस रहता है। आप क्या कर रहे हैं? आपका शेफ, मैं वो चिकन का प्रिपरेशन कर रहा हूँ। और आपके मसाले रेडी हो गए, आपने वापस बना लिए? आपको खड़े मसाले चाहिए कि आपको एकदम फाइनली चॉप यूज करने वाले? नहीं नहीं, मुझे मसाला बिल्कुल पाउडर चाहिए। मैं इसको थोड़ा सा, उसको अभी पाउडर नहीं है, नहीं उसको नहीं है। तो आप अभी करके लीजिए, आपका ये पक जाएगा, तब तक क्या होगा? हुआ नहीं, इसको कर ले। हाँ जी, मैं देख पा रहा हूँ कि उसमें जो चिली से जो तेज पत्ता है वो सही से ग्राइंड नहीं हुआ। मुझे कहीं ना कहीं थोड़ा सा गुस्सा आ गया प्राची के ऊपर। एक गलती इस किचन पे बहुत भारी पड़ सकता है, पूरा सबके ऊपर इफेक्ट लाएगा और जो एक टीम परफॉर्मेंस है वो नहीं हो पाएगा। क्या सिर्फ एपेटाइजर से पेट भर लेंगे? मेन कोर्स भी तो एंजॉय करना है, तो लॉग ऑन कीजिए सोनी लिव बार।